मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है। इस संदेश में मैं आपको बाइबल के वचन से परमेश्वर ने हमें किस तरह बनाया, हमसे पहले किसे बनाया, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इस वचन को सुनकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। बाइबल का वचन कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पहला दिन उजियाला, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाए को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाए को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाए को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। दूसरा दिन आकाश, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तीसरा दिन सूखी धरती और पेड़ पौधे, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। चौथा दिन सूरज, चांद और तारे, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाए को अंधियारे से अलग करें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। पांचवा दिन मछलियाँ और पक्षी, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। छठवा दिन भूमि के जीव जंतु और मनुष्य। बाइबल का वचन आगे कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। सातवां दिन विश्राम, इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया।
मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबिल का वचन अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाने में मदद करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।